अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के तत्वाधान में क्लाइमेट सेल कमेटी की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में किया गया। बैठक में जिले में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती समस्याओं के दृष्टिगत चर्चा की गई तथा जिले के भौगोलिक स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। लेकिन सर, जब मैं वहाँ पर और ये ऑब्जेक्टिव थे इस पूरे बारे में इल मेंटेन कंडीशन, तो सर उसके बाद और एक आउटकम इसका ये आया कि कैंपियरगंज जो कि विच इज पोजेसिंग मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स अर्थक्वेक क्रशिंग अराउंड 53.4% ऑफ कैंपियरगंज इज प्रोडक्ट्स should be provided to them so that they can use them while rescuing the affected community. Climate cell committee ke those all are from various unified fields, information technology se NIC, higher educational environmental boards, PWD and all media, process for making an efficient gadget to give an effective response to disaster. Jo sabse badi samasya Gorakhpur ki hai woh urban water logging hoti hai yahan pe, इसलिए भी हम लोगों ने सर AWS सॉल्व किया था। जब पहले हम लोगों ने जब किया था तो उसको इसी ध्यान में रखकर किया था कि चूंकि गोरखपुर शहर जब पानी भरता है तो पूरा मतलब बारिश जब होती है तो पूरा भर जाता है, तो उसको ही एक प्रोटेक्शन करने के लिए कि क्या वो चीज़ें हो सकती हैं गोरखपुर के लिए, एक बेटर चीज़ों पर उपाय था। और दूसरा जो हम लोगों ने जैसा अंकुर ने कहा कि सभी तहसीलों में हम लोगों ने जो वर्कशॉप्स की थी उसमें हम लोगों ने यह भी जानने की कोशिश की कि वहाँ पर जाकर के ये तो देखें कि वहाँ पे वर्षा मापी यंत्र की स्थिति क्या है। एक्चुअली गोरखपुर जो है यहाँ पर मौसम के परिवर्तन के कारण बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं और जिसके कारण व्यापक रूप में जनधन की हानि होती है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण गोरखपुर है उसने एक क्लाइमेट सेल भी गठित किया है अपने ऑफिस में। तो क्लाइमेट सेल को संचालित करने के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि इसमें हम लोगों को सहयोग कर रही हैं और इसमें हम लोगों के साथ मिलकर के काम कर रही हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गोरखपुर जो यूनिट है वो इसमें हमारे साथ है, हमारे साथ नाबार्ड भी इसमें जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो रक्षा अध्ययन विभाग है वे इसमें हमारे साथ, चूँकि रक्षा अध्ययन विभाग में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोर्स चलाया जाता है तो उनको भी इसका कमेटी का एक हिस्सा रखा गया है। और साथ ही जो हमारे मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसको हेड करते हैं गोविंद सर जो हेड करते हैं, तो वो भी इसके एक सदस्य के रूप में इस कमेटी में है। और इस कमेटी का मेन रोल ये है कि हम लोग जो गोरखपुर का जो जलवायु में हो रहा परिवर्तन है उसको ऑब्जर्व करें और उस पर हम लोग बीच बीच में एक क्लाइमेट बुलेटिन जारी करें जिससे कि यहाँ की पब्लिक अवेयर हो सके कि जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार की हमें खेती को अडॉप्ट करना चाहिए, किस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य रहे, किस तरह का हमें खान पान करना चाहिए, क्या हमें और भी अपने चाहे रोड सेफ्टी को पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है तो हमें किस तरीके से बेहतर रूप से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इन सबको लेकर के हम लोग यहाँ से एक बुलेटिन जारी करते हैं। उसका लाभ भी हमें मिलता है कि कहीं ना कहीं जो आपदाओं का प्रभाव है उसको हम लोगों को न्यून करने में काफ़ी सहूलियत प्राप्त हो रही है। तो इसलिए ये कमेटी का आज एक बैठक किया गया और ये एक अच्छी बात है कि आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज हमारी कमेटी के लोग यहाँ बैठ रहे हैं और जो आगामी मानसून है और आगे जो ग्रीष्म ऋतु हमारी जो चल रही है उसको लेकर के हमें कैसे काम करना चाहिए, क्या हमें सावधानियाँ लेनी है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर हम लोग जो निष्कर्ष निकल करके आएगा वो हम लोग जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जो हमारे इस जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं सर के समक्ष हम लोग रखेंगे और जैसा उनका दिशा निर्देश हमें प्राप्त होगा उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।